डॉक्टर दीपक सिंह एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आज हम लोग टॉपिक डील कर रहे हैं जो सर्जरी का एक छोटा सा पार्ट है, साइनस। साइनस क्या है? यह एक ब्लाइंड ट्रैक्ट बोलते हैं हम लोग साइनस को, यानी ब्लाइंड ट्रैक्ट फॉर्मेशन या डेवलप, दोनों बात बोल रहे हैं। इसका मतलब कि यह दो बात हो सकती है, कंजनाइटल भी हो सकती है या फिर एक्वायर्ड भी हो सकता है, ऐसा होता भी है। तो ब्लाइंड ट्रैक्ट डेवलप या फॉर्मेशन इन अबनॉर्मल, वो भी अबनॉर्मल, नॉर्मल नहीं होती है, ये अबनॉर्मल ट्रैक्ट बनती है, क्योंकि नॉर्मल ट्रैक्ट तो हमारे बॉडी में बहुत सारे हैं। तो ब्लाइंड ट्रैक्ट जो बनता है अबनॉर्मल, उसी को हम लोग बोलते हैं साइनस बोलते हैं। एक साइनस जो होती है जिसको हम बोलते हैं कि जो ब्लाइंड कैविटी फॉर्मेशन जो होती है बॉडी में, जो कि नॉर्मल साइनस होता है, जिसको हम पारा नेजल साइनस बोलते हैं। जो पारानेजल साइनस जो होती है यह बोन में होता है, फेशियल बोन पे, जिसको बोलते हैं हम लोग मेजरी साइनस, इथमॉडल साइनस, फ्रंटल साइनस और स्फिनॉइडल साइनस। तो ये जो साइनस होती है ना, यह जो साइनस होती है ये तो एक रियल साइनस होती है, जिसको हम बोलते हैं पारानेजल साइनस बोलते हैं, पीएनएस बोलते हैं उसको हम लोग। ये जो पीएनएस होती है फेशियल बोन पे होती है, जिसको हम लोग मेजरी साइनस बोलते हैं, इथमॉइडल या फ्रंटल या फिर स्फिनॉइडल साइनस। वो भी एक कैनाल ही बनती है, वो भी क्या है ना कि बोन के अंदर एक अबनॉर्मल सा कैनाल बन जाता है इसे, फेशियल बोन में, जिसे मेजरी बोन बोलते हैं, मेजरी साइनस, एक यहाँ बनता है मेजरी साइनस, है ना। तो इस तरह का जो कैविटी बनता है ये साइनस वाली है, इसको बोलते हैं साइनस। लेकिन हमारे बॉडी में और अबनॉर्मल जो ट्रैक्ट बन जाते हैं या अबनॉर्मल ब्लाइंड ट्रैक्ट हो जाता है या डेवलप हो जाता है, यह कहलाता है साइनस। कैसे होता है साइनस देखते हैं हम लोग। तो जनरली क्या है कि साइनस दो तरह का होता है, एक होता है कंजनाइटल साइनस। कंजनाइटल साइनस किसको बोलते हैं? जो डेवलप के समय ही, बॉडी के डेवलप के समय ही दो ऑर्गन जब बनता है, दो ऑर्गन जब फ्यूज करता है, तो फ्यूजन के समय ही उसके अंदर होल हो जाता है या होल रहता है, तो फ्यूजन में ही डिफेक्ट हो जाती है। तो फ्यूजन के समय जो होल हो जाती है उसको हम जो बोलते हैं कंजनाइटल साइनस बोलते हैं। तो ऐसी बात होती है फ्यूजन के समय ही, हमारा बॉडी जो भी बनता है वो फ्यूज से बनता है, चाहे वो बोन भी फ्यूज से होती है, बॉडी का जो भी पार्ट है वह फ्यूजन से बनती है। तो इसके समय अगर रह जाता है, फ्यूजन में डिफेक्ट होती है, तो उसको लोग कंजनाइटल साइनस बोलते हैं। जैसे मान लीजिए पिन्ना के जस्ट बगल में होता है पेरी ऑरिकुलर साइनस बोलते हैं, पेरी ऑरिकुलर साइनस बोलते हैं, है ना। यहाँ बनता है पेरी ऑरिकुलर साइनस और ये अंदर में छोटा सा। अब इसमें क्या होता है ना कि कहाँ तक ट्रैक जाएगी, जैसे ये सरफेस है, ये सरफेस का ट्रैक कहाँ तक जाएगी कहना बड़ी मुश्किल होती है ना। ये ट्रैक यहाँ से जाकर कहीं तक जाकर ट्रैक निकल गई, यहाँ से ट्रैक गया और कहीं तक चला गया ट्रैक। अब ये ट्रैक कहाँ तक जाएगी कहना बड़ी मुश्किल है, लेकिन ट्रैक बन गई, ट्रैक नहीं बनना चाहिए था, है ना। ये जो सरफेस है, ये सरफेस पर कोई भी ट्रैक बनने की जरूरत नहीं थी, लेकिन ये जो ट्रैक बन गया, ये अब कैसे बन गया, कई ट्रैक बन गया, अब इसी को हम लोग क्या बोले, हम लोग साइनस के नाम से बोले हम लोग। तो एक दो बोलते हैं जैसे पेरियोकुलर जो यहाँ बनता है, दूसरा जो बनता है बोन में बनता है, है ना। और बोन में सबसे कॉमनेस्ट यहाँ बनता है स्टर्नम के बोन में बनता है, जो कि लगभग 2 या 3 रिब्स के स्टर्नम के बीच में, वहां पर एक कैविटी जो होता है वह ब्लैंक ओपनिंग या ट्रैक्ट वहां पर डेवलप रहती है, एक यहाँ बनती है। उसके बाद एक बनता है कॉकिक्स बोन में, है ना, वहां पर भी डेवलप हो जाता है, कॉकिक्स में भी वहां पर साइनस बन जाता है। ये सब छोटे साइनस होता है, ये कंजनाइटल साइनस कहलाता है ये, क्योंकि वहां फ्यूजन नहीं हो पाती है, अब फ्यूजन वहां पर दिक्कत हो जाती है। अब उसका कंजनाइटल में इसके कारण क्या हो सकते हैं, तो कंजनाइटल कारण में कई ऐसे कारण हो सकते हैं, जैसे कि सिफिलिटिक जीन के कारण हो सकते हैं, विटामिन डिफिशियंसी हो सकता है, माल न्यूट्रिशन हो सकते हैं, प्रोटीन डिफिशियंसी होते हैं। तो ऐसे कुछ ऐसे कॉज होते हैं जिसके कॉज के कारण जो होती है वह प्रॉपर जो टिश्यू है वह फ्यूज नहीं हो पाता है, एक साइनस वहां पर इस कारण से बन जाता है, इसको हम लोग कंजनाइटल साइनस के नाम से जानते हैं। दूसरा जो साइनस होता है जिसको बोलते हैं हम लोग एक्वायर्ड साइनस। अब चले हम लोग एक्वायर्ड साइनस क्यों हो जाता है कि देखिए, हमारे सपोज है ये बॉडी में सॉफ्ट टिश्यू है, चाहे स्किन है, स्किन के नीचे में एडिपोज टिश्यू है, मसल्स है ना, फिर लास्ट में यहाँ पर हो सकता है बोन भी हो
है ना, ये बोन है। तो कहने का मतलब होता है कि अगर कोई ऐसा पुराना, कोई बहुत पहले से कोई यहाँ पर अवशेष रहा होगा, और वो जो अवशेष रहा होगा, ये अवशेष यहाँ जा करके और वह ऊपर में तो हिलप हो गया होगा, लेकिन अंदर में वह जो है ना रह गया होगा, क्या वो टिश्यू रह गया होगा, नेक्रोसिस टिश्यू रह गया होगा, अवशेष का टिश्यू रह गया होगा। तो एक वहाँ पर एक ऐसा बात होती है, या तो ये कंडीशन हो गया, ये क्या होगा कि ये धीरे 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 ये बढ़ते 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 और इस तरह से एक फॉर्मेशन कर लेता है, कैनाल बन जाता है। तो एक साइनस ये भी होता है। दूसरा कभी कभी क्या होता है कि ये पता नहीं कहाँ पर गया और किसी ट्रैक में जाकर रुक जाता है। एक ये ऐसा भी डेवलप हो सकता है, कभी कभी ऊपर से यहाँ से बना और ये साइनस जो है अंदर की तरफ जाकर के ऐसे जाकर के रुक गया। एक हो सकता है ऐसा भी ट्रैक बन सकती है। एक ऐसा भी हो सकता है कि इससे जुड़ा हुआ हो सकता है, ऐसे जुड़ा हुआ हो सकता है, ये कैनाल ऐसे बन सकता है यहां से लेकर के ऐसे, और ये कैनाल ऐसे यहां से यहां तक ऐसे डेवलप हो सकता है। यानी बोन से, बोन के अंदर जो पस बन रहा होगा या कुछ भी, वो इस सरफेस से क्या होगी बाहर की तरफ निकलेगा। ये पुराना ऐसा भी कंडीशन हो सकता है। और इस ट्रैक्ट का जो वाल है, इस कैनाल का जो वाल है, ये वाल बनेगा ग्रेनुलेशन टिश्यू से बना रहेगा। यहाँ पे आपको क्रोनिक सेल्स मिलेंगे, यहाँ पर क्रोनिक इन्फ्लामेटरी सेल्स मिलेंगे, है ना, ग्रेनुलोमेटर सेल मिलेंगे इसके वाल पे, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि ब्लाइंड ट्रैक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, और ये बहुत पुराना रहता है। इसका करेक्टर क्या मिलता है, अब चलिए यहाँ तो बात चल रही है हम लोग यहाँ तक कैसे बना, किस किस वराइटीज का होता है। दूसरी कंडीशन, बहुत लोगों में ऐसा होता है कि बहुत दिनों से यहाँ से पस निकल रहा है, वो ठीक हो नहीं रहा है। बहुत लोगों को कॉकिक से पस बन रहा है, निकल नहीं रहा है, ठीक नहीं हो रहा है। किसी बॉडी के दूसरे पार्ट के बोन से, वहाँ से ऑस्टियोमाइलाइटिस है, वो ठीक नहीं हो रही है, या ईयर के बगल में यहाँ पस बन निकल रही है, वो ठीक नहीं हो रहा है। तो ये सब जो है, ये सब कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो जनरली साइनस में जो मरीज होगी, वह क्या सिम्टम लेकर के आता है कि कई साल से यहाँ से पस बन रहा है, कभी ठीक हो जाता है, कभी निकलते रहता है, कभी ठीक होता है। तो इस तरह से एक मरीज जो होता है, एक साइन लेकर के और सिम्टम लेकर के पहुँचता है। नंबर टू, ये भी बोल सकता है कि फीवर होते रहता है, कभी फीवर होता है, बॉडी में वीकनेस है, प्लस जहाँ पे साइनस होती है उसके अराउंड में स्वेलिंग मिल सकता है, पेन हो सकता है, ऐसा भी कंडीशन मिल जाता है देखने को। तो पेशेंट सिम्टम एक तो डिस्चार्ज के बारे में बोलते रहेगा कि डिसकंटिन्यूटी डिस्चार्ज होते रहती है, कभी बंद होता है, कभी जो होता है बंद हो जाता है। तो एक डिस्चार्ज के बारे में पेशेंट सिम्टम बोलता है, दूसरा आपको फीवर के बारे में सिम्टम बोल सकता है, तीसरा जो हो सकता है साइनस के अराउंड में स्वेलिंग और रेडनेस के बारे में बोल सकता है, जिक्र कर सकता है। इस तरह से क्या होता है कि सिम्टम साइनस का आता है। चलिए अब बात आते हैं इसका हम लोग इन्वेस्टिगेशन क्या करा के देखेंगे, कैसा क्या देख सकते हैं इन्वेस्टिगेशन। इसमें लोग क्या करते हैं कि कंट्रास्ट एक्से करते हैं, इसके सहारे माउथ के सहारे लोग क्या करते हैं कंट्रास्ट अगर डालते हैं, और उसके बाद हम लोग इसका एक्सरे लेते हैं। एक्सरे प्लेट पर ये जो है ना, इसका वाइट शैडो आ जाता है। वाइट शैडो मतलब जो होता है वह वाइट, जैसे प्लेट का जो फोटो होती है जिस तरह का कलर, एकदम वाइट कलर फोटो प्लेट के जैसा इस पर प्लेट पर आपको अपेयरेंस मिल जाएगी वाइट शैडो। जैसे जैसे ट्रैक रहेगा वैसे वैसे ट्रैक के जैसा वहाँ पे फिगर आ जाता है। दूसरा, हम लोग इसका MRI भी करा सकते हैं, CT स्कैन करा सकते हैं, उससे भी हम लोग इसको देख सकते हैं, साइनस को देख सकते हैं, ये भी होती है। इसके बाद इतना हम लोग देख लेते हैं, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ, अगर पस का हम लोग कल्चर CT करा के देख सकते हैं, इसलिए कि हमें ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है, तो पस का हम लोग कल्चर CT भी करा लेते हैं। नेक्स्ट आते हैं फिर इसका हम लोग ट्रीटमेंट के लिए क्या करते हैं कि जितने पार्ट इसमें जितना पार्ट इस ट्रैक में हमें इन्वॉल्व होता है, उतना पार्ट को यहाँ पर क्या करते हैं सर्जरी से क्या करते हैं स्क्रैप करते हैं या रिमूव करते हैं, है ना, स्क्रैप करके रिमूव करते हैं। उसके अंदर जो गॉज भी और जरूरत पड़ता है तो गॉज भी इसके अंदर डाल सकते हैं, और उसके बाद धीरे 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 इसको हम लोग प्रॉपर मेडिसिन दे करके हम लोग साइनस को ठीक कर सकते हैं। ऐसी बात की नहीं ठीक होती है ठीक। इसके लिए एलोपैथी तो डायरेक्ट वही ऑपरेशन किए हैं, फिर एलोपैथी मेडिसिन चलाते हैं उसमें, लेकिन इसमें होम्योपैथिक में इसमें अच्छी दवा आती है। जैसे हम लोग इस पर लंबे समय अगर से हो रही है तो ट्यूबरकुलिनम इसके लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन होती है, वो चलाते हैं, या फिर सल्फर देते हैं इस पेशेंट को, हिपर सल्फ भी दे सकते हैं, लेकिन सुपर सल्फर दे सकते हैं। अगर कंजनाइटल होता है तो उसमें हम लोग सिफ्रिनम भी यूज करते हैं हम लोग।
ये जब दवा चलाते हैं और इस तरह से मरीज को हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। सैलेसिया भी हम लोग बीच बीच में पेशेंट को हम लोग दे सकते हैं अगर पास अगर इंटरनेट अगर आती है तब। ये था मेरा साइनस, बाकी बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं। थैंक्स।